नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरा ब्लॉग यूसी में। मैं जा रहा हूँ मासी तला धाम, जो उत्तर प्रदेश मऊ जिले के मिर्जादीपुरा से ठीक बाएं साइड पड़ता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, महाशिवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये मिर्जादीपुरा टू आजमगढ़ मोड़ तक रोड है, जहाँ से बीच में मैं कुछ ही मीटर की दूरी पर आएगा शीतला माता मोड़, वहाँ से मैं बाएं साइड मुड़ जाऊँगा। आ गया है, मैं यहाँ से मुड़ता हूँ और आप देख पा रहे हैं मैं मुड़ चुका हूँ। ये नगर पालिका का जो है कि स्थल है, मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ से मैंने इधर बाएं साइड मुड़ा और फिर आपको सामने जो है माँ शीतला धाम लेकर चल रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टंकी वगैरह सब कुछ लगा के रेडी किया है नगर पालिका, और आप बाएं साइड देख पा रहे थे कि ये माँ शीतला धाम का जो है कि चारों तरफ लगा हुआ बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड जो ईंट से जोड़ा हुआ है। और मैं साइड में जो है कि अपनी बाइक को खड़ा कर दे रहा हूँ, और चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार माँ शीतला धाम का गेट, और वहाँ से प्रवेश करेंगे। यह गेट पूरब की ओर पड़ता है, तो चलिए मैं उस साइड चलता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ माँ शीतला धाम। तो आप ये शीतला माता धाम का गेट देख पा रहे हैं, तो एक बार मऊ आइए और माँ शीतला धाम का एक बार जरूर आप दर्शन करिए और यहाँ के वातावरण का आनंद लीजिए। काफ़ी सुंदर जगह है, काफ़ी मनोरम जगह है। यहाँ पे आएंगे तो वास्तविक रूप से आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और साथ साथ माँ शीतला धाम जी का दर्शन भी हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये सुबह सुबह का टाइम है, तो इतनी भीड़ लगी हुई है, और आप सामने देख रहे हैं महाशिवरात्रि यानी आज है, तो शिव भगवान की पूजा की जा रहे हैं। भक्त लगे हुए हैं, अभी काफ़ी भीड़ कम है, लेकिन 12:01 यानी 11:01 यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाएगी। आधे एक घंटे के अंदर में मैं आपको दिखाऊँगा शाम के टाइम झांकी निकलता है, लेकिन मैं सुबह के टाइम ही आया हूँ, मैं शाम के टाइम आपको झांकी नहीं दिखा पाऊँगा। चलिए अगले साल हम आपको यहाँ की झांकी दिखाऊँगा अगर मौका मिलेगा तो। और आप ये शीतला माता धाम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश मऊ जिला, ये आप देख रहे हैं माँ शीतला धाम, और इनके देखिए द्वार पर कितनी भीड़ लगी है, श्रद्धालु हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और चलिए एक बार फिर बजरंग बली के पूजा कर दर्शन करते हैं, दर्शन कर पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो ये लोग जो है कि दर्शन करते हुए श्री बजरंग बली के, और चलिए हम भी एक भगवान से या उनकी पूजा करें। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व है, यहाँ पे तरह तरह के झांकियाँ निकाली जाती है। यहाँ पे शाम को करीबन 4 बजे यहाँ से झांकियाँ निकाली जाएंगी, जो मिर्जादीपुरा होते हुए ये अपने मतलब कि वहाँ से औरंगाबाद की तरफ झांकियाँ लेकर जाया जाता है। मुझे जानकारी मिली है, लेकिन मैं अब शाम तक वेटिंग करना पड़ेगा कि झांकियाँ कहाँ से निकल रही है और किधर जाएगी,
तो मुझे बता पाना मुश्किल है, लेकिन अनुमान मेरा यही है कि इसी तरह झांकी निकाली जाएगी। और तो चलिए, खैर मैं सुबह में हूँ तो आपको सुबह का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जबकि 10 बजे के बाद काफ़ी भीड़ लग जाएगी। आप देख पा रहे हैं वहाँ पे फ़ोटो भी लगा हुआ है और मोदी और योगी जी का, मतलब सम्मान के साथ नाम लिया जाना चाहिए, श्री नरेंद्र मोदी और श्री आदित्यनाथ योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, और श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान प्रधानमंत्री भारत के। और चलिए मैं एक बार आपको तालाब के नज़ारे का आनंद दिलाने की कोशिश करूंगा, काफ़ी सुंदर है। मैं सोचा हूं कि मछलियां यहां पे आएँ, लेकिन कई लोग यहां पे जो है कि चारे डाल रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे मछलियां आ रही हैं। हमको लग रहा है बड़ी मछलियां हैं नहीं तो होंगे भी तो उस साइड हो सकते हैं। चलिए एक बार कोशिश करते हैं और एक लाई लेते हैं। भाई साहब से पूछा लाई कितने का बना रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 1-10 का है, और मैं यहाँ पे लाई डाल के परेशान था। आ रहे थे लेकिन छोटे बच्चे, और जो छोटे बच्चे का मतलब मछली के छोटे बच्चे आप लोग। और आप देख पा रहे हैं कि ये मऊ जिला चितला धाम का सुंदरीकरण तालाब और सुंदर जगह, जहाँ पे दिल आपका घुस कर देगा, एकदम ले फोटो वाली हाल हो जाएगी। गाना जो चला है वही, यहाँ से काफ़ी सेल्फी लेंगे और आपकी गैलरी भरेगी नहीं, मतलब कि आप फोटो जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश मऊ जिला, आप मऊ में आए तो एक बार शीतला माता धाम का दर्शन जरूर करें, और यहाँ के वातावरण और तालाब का आनंद काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लें। फ्री है और ये माँ शीतला धाम का स्थान देख रहे हैं, और यहाँ पे अभी तक मैं दिखा रहा हूँ काफ़ी सुंदर जगह, जो कि यहाँ से आप बैठ कर नज़ारे का लुत्फ़ ले सकते हैं। तो भाई ये देख रहे हैं यहाँ शीतला धाम, चलिए एक बार उस साइड देखते हैं पश्चिम साइड, क्या मतलब बदलाव हुआ है या उसी तरह। लेकिन हाँ बदलाव हुआ है, सारी जगह ईंट लग गए हैं, और आप एक देख पा रहे हैं कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कुछ है जो इत्यादि आपसे शादी वादी संबंधित होता है क्या। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ माँ शीतला धाम का, कुछ बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और देखते हैं काफ़ी भीड़ लग चुका है, इसका मतलब यही है कि शाम तक काफ़ी भीड़ लग जाएगा, और काफ़ी भीड़ लग भी जाता है। काफ़ी प्रसिद्ध जगह है ना मौका, और आप ये डायग्राम देख रहे हैं जो आने वाले समय में ऐसा शीतला माता धाम का स्थान हुआ। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद, और इतना प्यार देते हैं और इसी तरह प्यार आप देते रहिए।